हेलो गाइस, यकीन है कि आप मैट्रिक्स का वीडियो नंबर वन ज़रूर देखे होंगे। और मैट्रिक्स के वीडियो नंबर वन में मैंने जो टॉपिक किया था उसके बाद का टॉपिक आज से चालू करने वाला हूँ, तो लिसन टू मी केयरफुली। तो आज हमको टॉपिक ये चालू करना है, अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट? ओके, दिख रहा है। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो देखिए, पंक्तियों और संख्या के आधार पर अवयवों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम लाइन बाय लाइन क्रम से देखेंगे कि कौन सा अवयव किस प्रकार का होता है। अवयव के पंक्तियों और स्तंभों के आधार पर, तो पंक्तियों और स्तंभ के बारे में इसके पीछे वाले वीडियो में हमने शेयर किया था। कृपया अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं, तो आप मैट्रिक्स नंबर वन ज़रूर देखिएगा, इसका वीडियो नंबर वन जो मैंने आपको बताया था। ओके, तो चलिए सबसे पहले मुझे स्टडी करना है वर्ग अवयव के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स, दिख रहा है स्टूडेंट? ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आप खुद परिभाषा लिख लीजिए, आप देखिए समझ के। अब ध्यान समझ, एक दो तीन चार। मैंने आपको बताया था कोटि के बारे में, अगर बोलेंगे कोटि लिखिए, तो कोटि में पहले देखिए पंक्तियों की संख्या लिखा जाता है। एक पंक्ति, दो पंक्ति, रो नंबर वन, रो नंबर टू, दो पंक्ति है, स्तंभ भी सी वन सी टू, स्तंभ भी दो है। तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, फिर स्तंभों की संख्या लिखते हैं, तो दो क्रस दो का ये मैट्रिक्स हो गया। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, उसे कहते हैं वर्ग अवयव। द काइंड ऑफ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर बराबर उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल मैं आपको देख के दिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ, एक माइनस एक तीन। चलिए स्टूडेंट, इसमें बताइए कि रो और पंक्तियों की संख्या के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो रो नंबर ये फर्स्ट हो गया, ये रो नंबर सेकंड हो गया, ये रो नंबर क्या हो गया? थ्री हो गया। कॉलम नंबर वन हो गया, कॉलम नंबर टू हो गया, कॉलम नंबर थ्री हो गया। तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे तो पंक्ति तीन है, स्तंभों की संख्या उसके बाद लिखेंगे तो स्तंभों की संख्या तीन है, तो ये भी मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री का है। दो बराबर दो, यहाँ पर थ्री बराबर थ्री। देखिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो गाइस जी बात समझ गए होंगे कि वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, उसे कहते हैं वर्ग अवयव। आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग अवयव के बारे में तो हम समझ लिए, उसके बाद का टॉपिक है क्षैतिज अवयव। दिख रहा है ना? क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से अगर समझ गए तो आपको मैं क्षैतिज अवयव का मतलब होता है जिस अवयव का विस्तार मतलब ऐसे ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे किस मैट्रिक्स का विस्तार मतलब मैट्रिक्स का विस्तार ज़्यादा हुआ होगा? क्षैतिज दिशा में ज़्यादा विस्तार होना चाहिए। क्षैतिज दिशा में ज़्यादा विस्तार होने के लिए कॉलम की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कॉलम C1, C2, C3, C4, C5, कॉलम C5 है, लेकिन R1, R1, R2, R3 इसमें पंक्ति कम है और क्या है, स्तंभ ज़्यादा है। आप इमेजिन कीजिए, इसमें पंक्तियों की संख्या तीन ही है और स्तंभों की संख्या क्या है, पाँच है। किसकी संख्या ज़्यादा है? स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, और पंक्तियों की संख्या क्या है, कम है। तो वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा होता है, उसे कौन अभी बोलते हैं? उसे क्षैतिज अवयव बोलते हैं। वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसे क्षैतिज अवयव बोला जाता है। तो आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ए बराबर में क्या होगा? टू थ्री। इसमें पंक्तियों की संख्या स्टूडेंट आर वन,
हाँ चूँ पंक्तियों की संख्या दो है लेकिन कॉलम की संख्या तीन है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब बोलेंगे इसको क्षैतिज अभी, ओके, जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं क्षैतिज अभी। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर, इसका कोटि जरूर लिखेगा स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा। तो पंक्ति संख्या दो, स्तंभों की संख्या तीन, कोई मैट्रिक्स बिना कोटि लिखे मत छोड़िएगा वरना गलत हो जाएगा। और कोटि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स का वीडियो नंबर वन देखिए, उसमें सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलिए तीन नंबर है उदर्ग अवयव। उदर्ग अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स, यह भी स्टूडेंट आसान है। देखिए क्षैतिज उदर्ग अवयव किसे कहते हैं, सबसे पहले देखिए उदर्ग में विस्तार ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे विस्तार ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे विस्तार ज़्यादा होने का मतलब देखिए क्या होता है, एक ही लाइन में समझिए, ऐसे विस्तार ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे विस्तार कम होना चाहिए। तो इसमें आप समझिए उदर्ग विस्तार होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉलम यहाँ पर देखा जाए तो एक ही मान लेते हैं, लेकिन रो देखिए आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव, रो बहुत सारे हैं लेकिन कॉलम सिर्फ कितना है, एक है। तो इससे आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि रो की संख्या तो ज़्यादा होना चाहिए किसी मैट्रिक्स में, कॉलम की संख्या कम होना चाहिए, तो उसे उदर्ग अवयव कहते हैं। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक होता है स्तंभों की संख्या से, उसे बोलते हैं उदर्ग अवयव। चलिए मैं एग्जांपल के आधार पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। पंक्ति हम एक ही मानेंगे, ठीक है, पंक्ति एक ही लेंगे और इसमें ले लेंगे चार तीन दो एक। स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये R1 है, R2 है, R3 है, ये क्या है R4 है और ये C1 है। तो पंक्ति कम है स्तंभों की संख्या, पंक्ति की संख्या ज़्यादा है स्तंभों की संख्या कम है। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है उसे उदर्ग अवयव बोला जाता है। इसकी कोटि अगर लिखेगा तो चार क्रस स्तंभों की संख्या एक हो जाएगा, तो चार क्रस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक स्तंभों की संख्या कम होता है उसे बोलते हैं उदर्ग अवयव। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो उदर्ग अवयव और क्षैतिज अवयव फिर से एक बार रिविजन कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्षैतिज अवयव वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, या ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होता है, जिसमें स्तंभ अधिक होगा तो उसे क्षैतिज अवयव बोलेंगे और जिसमें पंक्ति अधिक होगा उसे उदर्ग अवयव बोलेंगे। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है उसे बोलते हैं उदर्ग अवयव। आप इसको रिविजन कीजिए, बार बार देखिए, आपको जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। पंक्ति अवयव गाइस, इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वीडियो नंबर वन में, लेकिन काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स में भी आता है तो बता देते हैं यहाँ पर। रो मैट्रिक्स देखिए फ्रेंड्स कैसे पंक्ति अवयव बोलेंगे, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। वैसा अवयव जो एक पंक्ति के मिलने से बना है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं, जब वैसा अवयव जिसमें एक पंक्ति होता है। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लीजिए, वन टू थ्री फोर। तो देखिए स्टूडेंट इसमें सिर्फ एक ही पंक्ति है, तो वह अवयव जिसमें एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। इसकी कोटि जरूर लिख दीजिए, पंक्तियों की संख्या एक दो तीन चार, ये स्तंभों की संख्या, पहले पंक्तियों की संख्या गिने, पंक्ति की संख्या एक है, स्तंभों की संख्या एक दो तीन चार है, तो पंक्ति एक स्तंभ की संख्या चार, तो एक क्रॉस चार कोटि का मैट्रिक्स है। कहीं भी मैट्रिक्स आप लिखिए तो वहाँ उसकी कोटि जरूर दे दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होता है लेकिन स्तंभों की संख्या कितना होता है, कितना भी हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक पंक्ति होगा, एक पंक्ति वाला अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना है, हाँ स्तंभ अवयव पढ़ना है, स्तंभ अवयव।
कोलोमेट्रिक्स, कोलोमेट्रिक्स क्या होता है? वैसा व्यू जिसमें एक कॉलम होता है उसे कोलोमेट्रिक व्यू कहते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 1, 2, 3, 4 देखिए, तो सबसे पहले R1 1, R2 2, R1 3, R4 हो गया, तो चार हो गया पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या एक हो गया, तो इसका कोटि जरूर लिखिए, 4 × 4 होता है, ठीक है। तो वैसा व्यू जिसमें एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ व्यू कहते हैं, सिंपल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पंक्ति आवयु को पंक्ति सदिश भी बोला जाता है, एक और तरीके से नाम बोला जाता है, और स्तंभ आवयु को स्तंभ सदिश भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग को जो नेक्स्ट है वो है शून्य आवयु, जीरो मैट्रिक्स। ये तो आसानी से समझ सकते हैं, शून्य अवयव किसे कहते हैं? वैसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे शून्य अवयव कहते हैं, चाहे वो 2 × 2 कोटि का हो, 3 × 3 कोटि का हो, 4 × 4 कोटि का हो, मतलब किसी कोटि का अवयव हो यदि उसके सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे शून्य अवयव कहते हैं। वैसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे शून्य अवयव कहते हैं। डेफिनेशन आप खुद लिख लीजिएगा, जैसे 2 × 2 का मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए 2 × 2 का लिख रहे हैं लेकिन इसमें सभी अवयव शून्य हैं तो इसे बोलेंगे शून्य अवयव। 3 × 3 का एक एग्जांपल लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो देख सकते हैं स्टूडेंट ये भी शून्य अवयव है। तो वैसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं उसे शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव को आप शून्य से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शून्य अवयव खत्म हो गया, इसके बाद अवयव के विकर्ण कॉन्सेप्ट, अवयव के विकर्ण, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ये स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को आप बढ़िया से फोकस कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं, ठीक है। देखिए ये है एक मैट्रिक्स, A11 लिख दिए, 1 2 लिख दिए, A13 लिख दिए, A1n लिख दिए, ठीक है, n स्तंभ है इसमें, ठीक है। फिर A21 लिख दिए, A22 लिख दिए, A23 A2n है, ठीक है, मतलब इसमें n स्तंभ है इसलिए स्तंभों की संख्या नहीं लिख रहे हैं, इस तरह पंक्ति में जाते हैं तो हो जाएगा A1 A M2 A M3 A M N। कहने का मतलब इसमें M पंक्ति और M स्तंभ है, इसकी कोटि लिखा जाए तो M क्रॉस N हो जाएगा। मैं आपको स्टूडेंट एक बात पूछूं कि आप इस अवयव में देखिए और बताइए कि किस अवयव के पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। आप आसानी से बता सकते हैं जिस अवयव के पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है वही सब विकर्ण होते हैं। देखिए स्टूडेंट ये 1 1 2 2 यहाँ पर आएगा, 3 3 4 4, मतलब पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, अवयव के उन अवयवों का जोड़ा जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होता है, मतलब 1 1 वाले, 2 2 वाले, 3 3 वाले, 4 4 वाले, जितने भी अवयव होते हैं वे सभी मिल के आपस में विकर्ण का निर्माण करते हैं, डायगोनल का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट ये बात समझ में आना चाहिए, वैसे विकर्ण हमेशा ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वे सभी अवयवों का जोड़ा जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है वो सभी क्या कहलाता है? विकर्ण अवयव कहलाता है। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ विकर्ण अवयव, एग्जांपल के जरिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलिए अब एक अवयव लेते हैं गाइस, 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो देखिए
अगर मैं आपसे पूछूंगा A11 क्या है, तो इसमें एक है, A22 अगर आपसे पूछेंगे तो कितना है, 5 है, A33 पूछेंगे तो इसमें कितना है, 3 है। तो आप देख सकते हैं इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो ये सब देखिए, A11 एक है, A22 कितना है, 5 है, A33 कितना है, 3 है। तो आप देखिए यहाँ पर इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं विकर्ण डायगोनल। तो ऐसा व्यू जिसके अवयवों में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो और वो एक कर्नर बनाता हो, तो उसे बोलेंगे डायगोनल। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, बहुत आसान है ये, समझिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिंपल है, वैसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव शून्य हो, जैसे 1, 2, 3। देखिए स्टूडेंट, वैसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। ये 3x3 का है। तो वैसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उसे बोलते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को सूचित करने का एक तरीका भी है, जैसे ए बराबर लिख देंगे DIAG डायगोनल लिख के, उसके बाद 1, 2, 3 ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर कहीं ऐसे लिखा हो, स्टूडेंट देखिए DIAG डायगोनल लिख के अगर ऐसा लिखा हो, 0, 1, 2, 1 और 3 ऐसे लिखा हो, तो आपको समझना है कि वास्तव में ये लिखा क्या है। बी बराबर दिया अगर है तो बी बराबर आपको ऐसे लिखना है, पहले 2 लिख देना है, 0, 0, फिर 0, फिर उसके बाद 1, उसके बाद फिर 0, 0, 0 और उसके बाद 3। इसका मतलब है कि वो उसके डायगोनल के सभी अवयवों को लिखा है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, वैसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण अवयव बोला जाता है। कभी कोटि इसका जरूर लिखिएगा, ठीक है, पहले पंक्तियों की संख्या, बाद में स्तंभों की संख्या। अगर कोटि आपको सीखना अच्छी तरह से, तो आप वीडियो नंबर 1 जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो नंबर 1 आप देख लिए तो वहीं से, जहाँ वो वीडियो ख़त्म हुआ है वहीं से मैंने इस वीडियो को शुरू किया है। इसके बाद स्टूडेंट, जो भी टॉपिक है आपको अच्छी तरह से अगर समझना है, तो एक नोटेशन के बारे में आपको समझना होगा, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट नोटेशन, इम्पोर्टेंट नोटेशन आप समझिएगा। देखिए नोटेशन है क्या, ये वास्तव में एक संकेत है। मैट्रिक्स को ऐसे भी सूचित किया जाता है, AIJ उस मैट्रिक्स को सूचित करता है जिसमें आई पंक्ति और जे स्तंभ है। तो ये भी एक मैट्रिक का संकेत है, आपको ये समझना। अगर किसी मैट्रिक को लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हमको बोला कि 2x2 का लिखिए, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो पहले हम 1, 1 लिखेंगे, 1, 2 लिखेंगे, फिर 2, 1 लिखेंगे, फिर 2, 2 लिखेंगे, तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब IJ की संख्या 1, 1, IJ की संख्या 1, 2, IJ की संख्या 2, 1, IJ की संख्या 2, 2 हो जाएगा। 2x2 का मतलब ये होता है। तो फिर कहेंगे एक ऐसा मैट्रिक्स है, ऐसे लिख दिया है, 1x3 लिख दिया है, तो हमको ये समझना है कि उसमें 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसका मतलब उसमें अवयव होगा A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, तो ऐसा वो मैट्रिक्स बनेगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे अगर दे रही शॉर्टकट में ऐसे ऐसे, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स ही नोटिस किया गया है, ठीक है। तो भाई मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं, तो इसे चलिए मैं आपको एक लिखने का तरीका दिखा रहा हूँ। अगर कहीं 3x2 लिखा हो, तो 3x2 का मतलब आप क्या लगाइएगा, ठीक है, इसमें पंक्ति 3 है। तो चलिए ठीक है, तो हम ले लेते हैं ए स्तंभ 2 है, A11, A12 अधिकतम स्तंभ 2 ही में जा सकते हैं, फिर A21, A22 दो ही स्तंभ जा सकते हैं, A31, A32। देखिए 32 है, 32 आ गया, तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं इसे। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि कहीं भी अगर ये नोटेशन आप देख रहे हैं A बराबर AIJ, तो वो एक मैट्रिक्स ही है जिसमें I पंक्ति और J स्तंभ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ये नोटेशन होता है, सिंपल नोटेशन होता है। इस नोटेशन पे फोकस कीजिए और इसको अच्छे से समझिए, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट, इसके बाद जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये स्टूडेंट लोगों को कठिन भी लगता है, लेकिन मुझे बहुत आसान तरीके से आपको शेयर करना है, ठीक है। ये है अदिस अबीब, देख रहे हैं स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा होगा। अदिस अबीब क्या है और इसकी डेफिनेशन थोड़ा तार्किक है स्टूडेंट, अगर इसको समझ गए तो समझ लीजिए आप सब इसका समझ गए, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले नोटेशन से स्टूडेंट घबराते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए मैं एक अबीब को नोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, देखे है लिख रहा है, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा कि इफ़ i बराबर से ज़ीरो, इफ़ i डज नॉट इक्वल टू k जी। देखिए स्टूडेंट ये समझिए कि लिखा वास्तव में लिखा मैं क्या हूँ। ए आई जे एक मैट्रिक को हमने डिनोट किया है, मैं आपको इसके पहले बताया था नोटेशन ए आई जे से किया जाता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के अगर बराबर हुआ तो उसका आंसर आएगा के। के मतलब एक नियत संख्या है कि बार बार के आएगा। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं हो तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो विकर्ण में देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो विकर्ण के सारे अवयव के रहेंगे, विकर्ण को छोड़ के किसी में भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होता है तो वहाँ पर सिर्फ जीरो होगा। बेसिकली ये बताना क्या चाहता है, मैथमेटिकली भाषा में इसने बोला है, ठीक है। तो इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि वैसा व्यू जिसमें विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव शून्य है, तो विकर्ण के अवयव छोड़ के सभी अवयव शून्य है तो आपके दिमाग में चला जाता हो कि ये तो विकर्ण अवयव है। नहीं मेरे दोस्त, विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव शून्य हो एक और क्राइटेरिया है, विकर्ण के सभी अवयव एक समान होंगे, जैसे के विकर्ण के अवयव दू दू दू, विकर्ण के अवयव तीन तीन चार चार, मतलब समान होंगे। विकर्ण अवयव में समान हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इस आधार पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी अदिश अवयव होते हैं वो सभी विकर्ण अवयव होते हैं, क्योंकि विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव जीरो होते हैं, लेकिन सभी विकर्ण अवयव अदिश अवयव नहीं होते हैं, क्योंकि सभी विकर्ण अवयव के अवयव एक समान नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर समझ में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ तार्किक विधि, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है, ए बराबर देखिएगा i बराबर जब के हो, आपको अच्छी तरह से पता है कि देखिए पहले सबसे पहले मैं सिंबॉलिक बता रहा हूँ, a11 a12 a13 ठीक है, a22 a23 a22 है, a23 a31 a32 और a33। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप समझ पा रहे होंगे इसमें सब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर आ रहा है, तो जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, 3x3 कोटि का, ये तो बात जानते हैं आप। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जिन अवयवों का जोड़ा वो होता है डायगोनल, वो होता है विकर्ण। चलिए ठीक है, तो विकर्ण के सारे अवयव क्या होंगे, इसमें के होंगे। के मतलब दिख रहा है कि नहीं, चलिए नहीं दिख रहा है। विकर्ण के सारे अवयव क्या होंगे बोलिए तो, आई बराबर जे, देख रहा हो कि i बराबर j सब में है, इसमें 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 2 है, 3 बराबर 3 है, मतलब i बराबर j है तो वहाँ पर k होना चाहिए। तो चलिए मैं एक मैट्रिक्स लिख के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 1 बराबर 1 है तो ये भी k होगा, ये भी k होगा और ये भी k होगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, चलिए ठीक है। और बाकी में देखिए किसी में भी आप ध्यान से समझिए तो आपको पता चलेगा, किसी में विकर्णों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, 1 2 1 3 क्या बराबर है, 2 3 3 1 बराबर है, ये सब, ये 2 1 है, यहाँ पे मिस्टेक्स लिखा गया था, ये देखिए 3 1 किसी में भी बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बराबर वाले का तो के हो गया और बाकी जो बराबर नहीं है ये आई बराबर जे नहीं, वहाँ पे 0 लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट 0 लिख दिए, 0 लिख दिए, 0 लिख दिए, 0 0 लिख दिए, देखिए एक मैट्रिक्स हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। अब यहीं पे एग्जांपल ले लेंगे हम, ऐसे एग्जांपल ले लेंगे, देखिए एग्जांपल लेके हम दिखाते हैं, से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है अदिश अवयव है, तो अदिश अवयव समझ गए, इसको डिफाइन इस तरह करेंगे, आप डेफिनेशन में बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों को छोड़ के सारे अवयव शून्य हो, लेकिन पंक्तियों इसको ऐसे बोलेगा, वैसा अवयव जिसमें विकर्णों को छोड़कर सारे अवयव जीरो और विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, तो वैसे कौन सा अवयव कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। विकर्ण के सभी अवयव तो जीरो नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद में जितने भी अवयव होंगे सभी जीरो होंगे, तो
इस एक बात आपके दिमाग में आता होगा कि तो आप बिकर्ण अभी भी वैसे ही बोल रहे हैं, तो मैं बिकर्ण अभी अधि सभी दोनों को एक साथ फिर से मैं बोल रहा हूँ। बिकर्ण अभी बिकर्ण को छोड़ के सारे अवयव जीरो होंगे, उसमें एक समान नहीं होंगे, लेकिन अधि सभी हूँ मैं। बिकर्ण को छोड़ के सारे अवयव जीरो होंगे, लेकिन बिकर्ण के सभी अवयव एक समान होंगे। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जितने भी अधि सभी होते हैं सभी बिकर्ण अभी होते हैं। चलिए इस आधार पर सभी जो अधि सभी होते हैं सभी अधि सभी विकर्ण अभी होते हैं। बट सभी विकर्ण अभी अधि सभी नहीं होते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा कर रखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बाद कौन टॉपिक है देख रहा हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इकाई अभी उसके बारे में देखना है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं अभी। यूनिट मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, सिंपल है। वैसा व्यू जिसके सभी अवयव इकाई होते हैं, जिसके विकर्ण के अवयव इकाई होते हैं, सॉरी, वैसा व्यू जिसके विकर्ण के अवयव इकाई होते हैं उसे विकर्ण व्यू कहते हैं। वैसा व्यू जिसके विकर्ण के सभी अवयव इकाई होते हैं, विकर्ण के सभी अवयव इकाई होने का मतलब होता है कि सभी एक एक होंगे। जैसे देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर में जे, मतलब विकर्ण के अवयव होंगे तो वहां पर क्या आएगा बोलिए तो, के होगा। जब आई बराबर नहीं होगा जे के तो वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमेशा ध्यान रखना है जी। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर तो एक आएगा, मतलब विकर्ण के सारे अवयव एक होंगे, और फिर आई बराबर जे नहीं होगा, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से जब मैच नहीं करेगा तो सारे जीरो हो जाएंगे। ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसे फिर से मैं अच्छी तरह से लिख के a1 2 a1 a1 1 a1 2 a1 3, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो आप इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या है बोलिए तो, बराबर है। जो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगा तो वहाँ पर केवल क्या आएगा बोलिए तो, एक 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 आएगा, बाकी सब पंक्तियों की संख्या के स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है। देखिए तो वहां पर हो जाएगा जीरो। तो देखिए सुन लिया, वन 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 हो गया विकर्ण, अब यहाँ पे जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पे जीरो है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो विकर्ण को विकर्ण के सभी अवयव इकाई हैं, और उसके बाद सारे अवयव क्या है, जीरो है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने कॉन्सेप्ट टेक्निकल के आते हैं अंदर से, मतलब कॉन्सेप्ट जब आप खुद पढ़िएगा तो आपके अंदर से मतलब प्रेरणा आपको मिलेगा। ठीक है, इंट्यूशन होगा आपको, ये इंट्यूशन ये हो रहा है कि ये तो अधि सभी की तरह है, विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव जीरो हैं और विकर्ण के सभी अवयव एक समान हैं। तो जितने भी इकाई अवयव होते हैं, जितने भी इकाई अभी होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी इकाई अभी होते हैं वो हमेशा दो चीज होते हैं, याद रखिएगा। क्या, सबसे पहले विकर्ण अभी तो होते हैं, विकर्ण अभी एकदम होते ही होते हैं, क्योंकि विकर्ण को छोड़ के बाकी अवयव जीरो है, उस पर तो मतलब ये सेट हो ही रहा है। फिर दूसरी बात है, विकर्ण के सभी अवयव एक समान है तो अधि सभी भी होते हैं, अधि सभी भी होते हैं,
तो अगर आपको किसी ने पूछा कि बिकर्ण अवयव क्या होता है, अदिश अवयव क्या होता है, और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, इकाई अवयव क्या होता है, तो सबके बारे में हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जितने भी इकाई अवयव होते हैं आप उनको बोल सकते हैं कि वो विकर्ण अवयव भी होते हैं और क्या होते हैं, अदिश अवयव भी होते हैं। फिर से मैं आप क्लियर कर देता हूँ, विकर्ण अवयव में विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव जीरो हैं, तो विकर्ण अवयव के डेफिनेशन पे सेट करता है, बैठता है, तो हो गया विकर्ण अवयव डिफाइन हो गया। इसमें अदिश अवयव में विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव जीरो हों और विकर्ण के सभी अवयव एक समान हों तो वो भी पर बैठ रहा है, मतलब दोनों सेट कर रहा है, ठीक है। दोनों क्राइटेरिया जो है डेफिनेशन का, डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्लर मैट्रिक्स, दोनों के क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए वो दोनों है, विकर्ण अवयव भी है और अदिश अवयव भी है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये थ्योरी सेक्शन आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं, हाँ स्टूडेंट, जितने भी इकाई अवयव होते हैं उनको आई एन से सूचित करते हैं, इकाई अवयव को आई एन से लिखते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं, दिख रहा है, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर जितने भी इकाई अवयव होते हैं उन्हें आई एन से सूचित करते हैं। अगर वो दो को एक कोटि का होगा तो आई वन लिख देंगे, दो कोटि का होगा तो आई टू लिख देंगे, और तीन कोटि का होगा तो आई थ्री ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो एन कोटि का होगा तो आई एन लिख देंगे, आई एन कोटि का इकाई अभी होता है, मतलब आई एन लिखा जाता है। कहीं भी इकाई अभी लिखना हो तो आप आई एन लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए क्या है। चलिए ठीक है, त्रिभुजाकार अवयव के बारे में। चलिए स्टूडेंट ये दिख रहा है यहाँ से, यहाँ से चलिए, त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार अवयव, अभी इसको पढ़ना कोई ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखता है, लेकिन कोई बात नहीं है, थ्योरी सेक्शन आपका कंप्लीट बढ़िया से होना चाहिए तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। त्रिभुजाकार अवयव किसे कहते हैं, वैसा अवयव जो किसी न किसी तरह विकर्ण के ऊपर देखिए चाहे विकर्ण के नीचे देखिए किसी भी न किसी तरह त्रिभुज के का निर्माण करते हैं, अपने अवयवों को मिलाकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं, उन्हें त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। आप खुद स्टूडेंट एनालाइज कीजिएगा और आप डिफाइन खुद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा पार वाली बात नहीं है, सिंपल बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो वैसा अवयव जिसमें किसी भी तरह ट्रायंगल का निर्माण होता हो अवयवों से, विकर्ण के ऊपर हो चाहे विकर्ण के नीचे हो, मतलब ट्रायंगल बनता होगा, तो उसे बोलते हैं त्रिभुजाकार अवयव बोलते हैं। तो त्रिभुजाकार अवयव जो होता है आपका डिफाइन कर लीजिएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, द काइंड ऑफ मैट्रिक्स, इसको इस तरह डिफाइन भी कर सकते, द काइंड ऑफ मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट क्रिएट्स ए ट्रायंगल, एलिमेंट क्रिएट अगर ये ट्रायंगल करेंगे तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब निम्न त्रिभुजाकार अवयव होता है और उच्च त्रिभुजाकार अवयव होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं त्रिभुजाकार अवयव किसे कहते हैं, जिसके अवयव त्रिभुज का निर्माण करते हैं त्रिभुजाकार अवयव है। चलिए त्रिभुजाकार अवयव दो तरह के होते हैं, एक होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वास्तव में क्या है, एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। देखिए निम्न त्रिभुजाकार अवयव किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग अवयव होता है, हमेशा एक बात याद रखना है, जितने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं सब वर्ग मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वैसा वर्ग अवयव। देखिए इसमें लिखा है निम्न त्रिभुजाकार अवयव, तो मतलब जिसमें विकर्ण के नीचे सारे अवयव मतलब ट्रेंगुलर का निर्माण करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और ऊपर वाले सारे अवयव जीरो होते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव होते हैं लेकिन मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव जीरो होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये मुख्य विकर्ण हम पहले लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे दो लिख देते हैं, यहाँ पे तीन लिख देते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है,
यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो लिख देते हैं, खुद डिफाइन कर सकते हैं। एक सेकेंड के स्टूडेंट कॉलम, खुद इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आप खुद बताइए कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, मुख विकर्णीय है, तो मुख विकर्ण के उपयोग देखिए यहाँ पे कभी कोई छूट रहा है, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट मुख विकर्ण के नीचे सभी अवयव त्रिभुज का निर्माण करते हैं ना, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो जिसमें मुख विकर्ण के नीचे है एक त्रिभुज जैसी आकृति बनती होगी, लेकिन ऊपर के अवयव सारे जीरो होंगे। तो वैसा वर्ग अवयव, तीन प्लस तीन कोटि का है, वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख विकर्ण के ऊपर सारे अवयव जीरो होते हैं, मुख विकर्ण के नीचे अवयव त्रिभुजाकार होते हैं चाहे त्रिभुज का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव। देखिए डेफिनेशन से ही इसका नामकरण रखा गया, डेफिनेशन के आधार पर ही आप इसको बोल सकते हैं। देखिए निम्न त्रिभुजाकार अवयव का मतलब देखिए क्या होता है, त्रिभुज जो नीचे है डायगोनल के नीचे है, तो निम्न त्रिभुजाकार डायगोनल के ऊपर है तो उच्च त्रिभुजाकार, बस हो गया। तो आप इसको समझ गए, इसमें कोई बाहर वाली बातें रॉकेट साइंस में, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च त्रिभुजाकार अवयव लिख रहा है इसमें, उच्च त्रिभुजाकार अवयव, उच्च त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर थ्योरी सेक्शन अच्छा से कंप्लीट करिए स्टूडेंट, ये नहीं कि थ्योरी नहीं समझ में समझेंगे नहीं और क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो फिर आपको वहाँ पे पूरा क्लियरनेस नहीं आएगा, ठीक है। देखिए उच्च त्रिभुजाकार अवयव किसे कहते हैं, एग्जांपल से ही आपको सुनाते हैं। वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख विकर्ण के ऊपर सभी अवयव अशून्य होते हैं, लेकिन मुख विकर्ण के नीचे जितने भी अवयव होंगे सभी जीरो होंगे। इसे एग्जाम्पल से समझिए, एक पाँच चार तीन हो गया, दो हो गया, एक हो गया और यहाँ जीरो जीरो जीरो। आप पर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, आपको सारे चीज़ों की जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इस अवयव को आप ध्यान से देखिए, जैसे मुख विकर्ण जो है प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल मुख विकर्ण के ऊपर सभी अवयव त्रिभुज की तरह निर्माण करते हैं, ठीक है, त्रिभुज का निर्माण करते हैं, लेकिन नीचे के सारे अवयव जीरो हैं, तो इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। वैसा अवयव जिसमें मुख विकर्ण के ऊपर सभी अवयव त्रिभुज का निर्माण करते हैं, लेकिन मुख विकर्ण के नीचे सारे अवयव जीरो होते हैं, उसे उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। और भी इसको बहुत सारे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस आप समझ जाइए, उसके बाद अपने अपना तरीका खुद आपके अंदर से इंट्यूशन के जरिए निकलेगा, अंतर्बोध से, ठीक है। तो गाइस समझिए, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव जिसमें मुख विकर्ण के ऊपर अवयव ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, लेकिन नीचे क्या होते हैं सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे बोलते हैं उच्च त्रिभुजाकार अवयव। अब चलिए हम इसके बाद पढ़ते हैं अवयव की तुल्यता, अवयव की तुल्यता, कंपेरेबल मैट्रिक्स। देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वैसे दो अवयव जिनकी कोटियाँ आपस में बराबर होती है, वैसे दो अवयव, आप डेफिनेशन सुन के लिख लीजिए, सिंपल है। वैसे दो अवयव जिनकी कोटियाँ आपस में बराबर होती है, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसे दो अवयव जिनकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या एक दूसरे से बराबर होता है, मतलब जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या पहले अवयव का रहेगा, उसके बाद भी जितने भी मैट्रिक्स आएंगे उनकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, मतलब पहले अवयव की जितनी कोटि होगी और स्तंभ होगी दूसरे अवयव की भी कोटि उतनी ही होगी। जैसे मतलब बोलते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर एक दो तीन चार, दो एक तीन छः, अब ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है, इसकी कोटि लिखिए, दो है पंक्ति स्तंभ एक दो तीन चार है, तो दो क्रस चार हो जाएगा। अब एक और हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल में ऐसे ले लें, जैसे यहाँ पे लिखा चार माइनस एक दो तीन छः एक चार दो, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा इसमें पंक्तियों की संख्या दो है, स्तंभों की संख्या एक दो तीन चार है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों तुलनीय अभी बोलेंगे, ये तुलनीय अभी हैं क्योंकि इनके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। टू मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स इफ एंड ऑनली इफ बोथ ऑर्डर्स आर इक्वल्स टू ईच अदर, ठीक है, दोनों के ऑर्डर्स कोटियाँ आपस में क्या होगी बराबर होगी, कोटि
बराबर कोटि, पहले की कोटि दूसरे कोटि की, कोटि वन कोटि टू, पहले कोटि दूसरे कोटि के बराबर होगा, तो वो कौन सा अवयव होगा? तुलनीय अवयव होगा। तुलनीय अवयव क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जो जोड़ और घटाव होगा वे सब तुलनीय अवयव का ही होता है, अन्य किसी अवयव का पॉसिबल नहीं है। तुलनीय अवयव में जिसकी पंक्ति स्तंभों की संख्या आपस में एक समान होगी उनको जोड़ने में आसानी होगा, और वही जोड़े जा सकते हैं, बाकी सबको नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बिना इसके पहले भी आप बनाइएगा, लेकिन क्लियरनेस आपको नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, लेकिन आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद को चलिए अब इसके बाद का जो अभी हुए हैं समान अभी दिख रहा है, समान अभी हुए स्टूडेंट, समान अभी का मतलब होता है इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? दो अवयव जिनके संगत अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब उनको देखेंगे तो बराबर ही लगेंगे, तो उसे संगत अवयव एक दूसरे के बराबर, तो उसे संगत अवयव कहते हैं। जिनकी कोटियां फर्स्ट ऑफ ऑल आपस में बराबर होंगी और उसकी अवयव भी आपस में बराबर होंगे, तो उसे समान अवयव कहते हैं। तो वैसे अवयव जिनकी कोटियां और अवयव आपस में बराबर होते हैं, मतलब दोनों मैट्रिक्स देखने में एक ही तरह लगेंगे, तो उसे बोलते हैं समान अवयव। चलिए ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ए बराबर, एग्जांपल के जरिए ही समझ लीजिएगा, 2 1 0 3 ऐसे लिखा है, फिर साइन एक्स लिखा है, 2 लिखा है 4 लिखा है, और फिर यहाँ पर 5 लिखा है। ठीक है, ये कितना है? 2 क्रॉस 4 का है। ठीक है, एक अवयव ऐसे ले लिए, ठीक है, वो भी ऐसे ही है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इनके संगत अवयव आपस में क्या है, बराबर है। किसी के भी संगत अवयव एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 देखा तो यहाँ पर भी 2 है। अगर मैंने ऐसे अवयवों की में बोलेंगे A11 बोलिए, तो A11 इसमें देखिएगा तो 2 होगा, इसमें बोलेंगे B11 बोलिए तो इसमें B11 देखिएगा तो क्या होगा, 2 ही होगा। इनमें संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। मैंने बोला कि A13 लिखिए, चलिए इसमें B13 लिखिए, संगत अवयव दोनों का ले रहे हैं, देखें कि आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं। B13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना है बोलिए, तो 3 है। इसमें देखते हैं पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसमें भी कितना है, 3 है। तो देख रहे हैं कि इनके संगत अवयव आपस में बराबर आ रहे हैं, देखिए यहीं पर देख लीजिए ये बराबर आ रहे हैं। तो ये सब जो अवयव इस तरह के जो अवयव होते हैं उन्हें बोलते हैं समान अवयव बोलते हैं। तो 2 अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव आपस में बराबर हो, उनकी कोटियाँ भी आपस में बराबर हो। ये 2 क्रॉस 4 का है, ये भी 2 क्रॉस 4 का है। कोटि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कृपया प्रीवियस वीडियो जो मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 1 हमने बताया था उसमें जाकर जरूर पढ़िए, हमने मैट्रिक्स के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया था। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक आज का थ्योरी सेक्शन ये आप कंप्लीट कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा मेरा ये थ्योरी सेक्शन। और उसके बाद का थ्योरी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोड़ घटाव के बारे में बताना है, तो एकदम सिंपल ही है। सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिए, धैर्य के साथ पढ़िए, पूरा डिटेल के साथ पढ़िए। अगर इसको सही तरीके से पढ़ लिए तो डिटरमिनेंट का रास्ता यहीं से कुछ जाता है, क्योंकि डिटरमिनेंट्स का जो फादर होता है बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स का जो माँ होती है फादर होते हैं, जिससे डिटरमिनेंट्स उत्पन्न हुआ है वो यही है मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में, क्योंकि वो भी बेनिफिट उठाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।